चाचा माँ का दरबार 9 दिनों तक माँ तारानी की सेवा कर लिया आशीर्वाद। सबकी लोकप्रिय नगर सेवक और आरपीआई एकतावादी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विकास निगम साहब ने अपने क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया और तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया। रोज शाम को गरबा कार्यक्रम का आयोजन होता रहा। आपको बता दें कि अष्टमी को महिलाओं द्वारा हल्दी कुमकुम कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी महिलाओं का सम्मान किया गया और आरपीआई के समस्त पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष विकास निगम साहब का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस मौके पर विकास निगम साहब ने सभी क्षेत्रवासियों का और भिवंडी वासियों का तहे दिल से धन्यवाद दिया। नवरात्र और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भिवंडी शहर अध्यक्ष महबूब शाह शेख साहब और अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे।
चैलेंज दाव घटना इतना स्वागत होता है। संपन्न होता है सभी को। पहले मैं सही दिल से सभी भिवंडी वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को, देशवासियों को नवरात्रि के उत्सव की शुभकामना देता हूँ। गए 10 साल से मेरे प्रभाग में हमारे विकास मित्र मंडल, तेजस्विनी महिला मंडल, न्यू बाल मित्र मंडल, इनके माध्यम से ये त्यौहार मनाया जाता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पूरे जल्लोष हौज के साथ यहाँ पे सभी हमारे जो बहने हैं, भाई है, वो उत्सव का मजा ले रहे हैं। मैं माँ दुर्गा से यही विनती करता हूँ, जैसे कि आपको मालूम है कि गए 2 साल में कोरोना की वजह से कोई त्यौहार मनाया नहीं गया, लेकिन इस साल बड़े जल्लोष और हर्ष के साथ त्यौहार मनाया जा रहा है। और यहाँ पे जैसे कि हमारे मंडल के सभी पदाधिकारी रवि जी, आनंद जी, हमारे बंटी जी, पप्पू जी, पंकज जी, सभी कार्यकर्ता बहुत ही मेहनत से यहाँ पे प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पे प्रोग्राम रखते हैं, बच्चों के लिए प्रोग्राम रखते हैं, मैं उनका भी सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी को इस त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।